नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा जो मेन टॉपिक रहेगा वो रहेगा डिफरेंस बिटवीन म्यूचुअल फंड एंड एसआईपी। दोस्तों म्यूचुअल फंड्स पे हमने पहले भी टॉपिक में डिस्कस किए हुए हैं कि म्यूचुअल फंड्स तीन तरह के होते हैं, ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड, क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड और इंटरवल फंड्स। अब ये तीन फंड्स हमने डिस्कस किया। अगर दोस्तों मैं म्यूचुअल फंड्स की बात करूँ, एक बेस्ट ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट का, और इन किन कंपनीज में हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। दोस्तों जिन कंपनीज में हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं उन कंपनीज को कहते हैं एएमसी। AMC स्टैंड फॉर एसेट मैनेजमेंट कंपनीज, और आज की डेट में इंडिया में 42 AMCs हैं, मींस एसेट मैनेजमेंट कंपनीज हैं, जहाँ पे हम अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, जहाँ पे हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट अच्छा मिलता है इन्वेस्टमेंट पर। दोस्तों म्यूचुअल फंड में मैंने बात की थी, म्यूचुअल फंड्स में अगर मैंने इकट्ठा पैसा इन्वेस्ट किया, फॉर एग्जाम्पल 10,000, 15,000, 20,000, मैं इकट्ठा पैसा देता हूँ, और वो दोनों तीनों ऑप्शंस हैं मेरे पास, ओपन एंडेड फंड में, क्लोज एंडेड फंड में और इंटरवल फंड्स में। और अगर मैं SIP की बात करूं कि SIP इससे अलग कैसे है, दोस्तों SIP देखा जाए तो इसका पार्ट है म्यूचुअल फंड का। और फॉर एग्जाम्पल अगर मैं म्यूचुअल फंड में 10,000, 20,000 इकट्ठे जमा करवा रहा हूं, और SIP में उस पैसे को मैं किस्तों में पे कर रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 20,000 इकट्ठे दे रहा हूँ, और अगर मैं 20,000 की एक साल में किस्तें बनाकर पे कर रहा हूँ, तो उसको मैं कहूँगा SIP। SIP सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, ये दोनों इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हमारे लिए बहुत बेनिफिट रहते हैं, और इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बहुत अच्छा मिलता है दोस्तों। तो आज का हमारा जो मेन कंसर्न था वो था डिफरेंस बिटवीन म्यूचुअल फंड एंड SIP। SIP इज द पार्ट ऑफ म्यूचुअल फंड, ये भी एक तरह का म्यूचुअल फंड ही रहता है, और दोनों ऑप्शंस रहेंगे इसमें, टैक्स सेविंग वाली SIP भी होती है और विदाउट टैक्स सेविंग की। तो दोस्तों अगर टैक्स सेविंग SIP की बात करूँ, टैक्स सेविंग सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान की बात करूँ, तो हमारा लॉक इन पीरियड रहेगा 3 ईयर्स का। 3 ईयर्स से पहले हमें पैसा नहीं मिल पाएगा, ना हम निकलवा सकते हैं। और जो SIP का भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है इज इक्विवेलेंट टू म्यूचुअल फंड जो सिंपल हम लेते हैं, SIP में हमारा मिनिमम 15 से 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाता है, और लॉक इन पीरियड रहेगा 3 ईयर्स का, अगर आप टैक्स सेविंग SIP ले रहे हैं। अगर आप विदाउट टैक्स सेविंग ले रहे हैं, तो फॉर एग्जाम्पल आज अब मैंने पैसा लगाया, SIP परचेज कर ली, तो 1 महीने 2 महीने बाद मैं वो पैसा अपना निकलवा सकता हूँ और अपने लिए यूज कर सकता हूँ। तो दोस्तों दिस इज द डिफरेंस बिटवीन म्यूचुअल फंड एंड SIP। तो ये आज का टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा दोस्तों, आप इसको मैक्सिमम लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। तो दोस्तों आज का मैं टॉपिक यहीं पे समाप्त करता हूँ। थैंक्स दोस्तों।